हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो को लेके, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग चीट्स और सैन एंड्रियास में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ मैंने एक लिंक दी होगी, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको डाउनलोड पे क्लिक करके ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना होगा। ये कुछ GTA सैन एंड्रियास की जैसे ही दिखेगा इसका आइकन। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये चीट्स है, ये GTA सैन एंड्रियास नहीं है दोस्तों, ये चीट्स है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, आप डन या फिर सिंपली से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। दोस्तों याद रखना, जैसे आप लोग इसे ओपन करेंगे तो ये अलग एप्लीकेशन नहीं खुलेगा, ये आप लोग का सादा सा GTA सैन एंड्रियास जो आपके फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है वो खुलेगा। तो दोस्तों, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद आप उस पर ओपन करेंगे तो GTA सैन एंड्रियास खुल जाएगा। तो आपको बस गेम को स्टार्ट करना होगा, और जैसे ही आप लोग स्टार्ट कर देंगे, आप ऊपर देख सकते हैं उसमें दिखा रहा था क्लियो मोड। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्लियो मोड यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको भी टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। आपको सिंपली ऊपर से नीचे स्वाइप करना होगा और यहाँ पे आपके सब चीट्स सामने आ जाएगी स्क्रीन के। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसमें कौन सी भी कार सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लेके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ चुका हूँ। दोस्तों ऐसे ही आप लोग कोई भी व्हीकल ले सकते हैं। मैं आपको एक और चीट्स यूज़ करके दिखाता हूँ, जो कि है फ्लाइंग। तो दोस्तों, इससे आप कहीं भी उड़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोग को बताना भूल गया, क्योंकि ये एक नॉन रूट डिवाइस के लिए भी काम करेगा। दोस्तों अगर आपका फोन नॉन रूट है तो कोई बात नहीं, तभी भी ये चीट्स काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मंगाया था मी बैंड HRX एडिशन, इसका अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दिया, पर इसकी एडिटिंग बाकी है, इसको भी अगली वीडियो में डाल दूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।